दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CSCL जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप 2023। सभी छात्र को मिलेंगे 1800 रुपये, ठीक है दोस्तों। हर एक को 1800 रुपये मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, 9वीं 10वीं के 12 लाख से अधिक छात्रों को राज्य सरकार देगी छात्रवृत्ति, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर दोस्तों चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फिर बता तो आपको कैसे जो है इसका जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, 9वीं 10वीं की 12 लाख अधिक छात्राएं जो है राज्य सरकार देगी। यहाँ पर लिख रहा है 50-50 की होती थी केंद्र राज्य की हिस्सेदारी। जैसे कि ये छह 2021-22 इस तक इस बन मद में मदद में होने वाली खर्च का हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार दोनों का होता था। केंद्र और राज्य का 50% के पिछड़ा वर्ग ने पिछड़ा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान हुआ था। इसको देखते हुए विभाग को उम्मीद है कि इस बार 12 लाख से अधिक को इसका भुगतान होगा। यहाँ पर देख सके, केंद्र सरकार से समय पर नहीं मिलती थी राशि, पहली बार राज्य सरकार 100% देगी छात्रवृत्ति, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख रखा है दोस्त। और दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, केंद्र सरकार की लेट लीपी से परेशान 9वीं 10वीं के पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को राज्य सरकार से अपनी मदद से छात्रवृत्ति देने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। जल्द ही प्रवेश के चार्ज के राज्यकृत माध्यमिक विश्वविद्यालय के 9वीं 10वीं के पिछड़ा वर्ग के 12 लाख से अधिक छात्र छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी। दोस्तों ये बिहार वालों के लिए है, ओनली बिहार वाले इसका जो है लाभ उठा पाएंगे। यहाँ पर लिख रहा है योजना का शुभारंभ सीएम से करने का विभाग की कोशिश, हर एक को 18,000 रुपये मिलेंगे, 1800 रुपये। इस बार 2 बार होगा भुगतान, पिछड़ा और अन्य पिछड़ा के वर्ग को जाते को उक्त राशि से 2022-23 के लिए भेजी जा सकती है।